दोस्तों, अगर आप मार्वल फैन हैं, तो टाइटल से आप समझ ही गए होंगे कि हम आज किस वेब सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं। ये शी हल्क वेब सीरीज के सीजन 1 का फर्स्ट एपिसोड है। स्टोरी शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की जिसका नाम जेनिफर है, वो किसी केस की दलील कोर्ट में पेश करने की प्रैक्टिस कर रही है। अब वो बताती है कि वो हल्क है, पर वो हल्क कैसे बनी, इसके लिए हमें फ्लैशबैक में चलना होगा। करीब एक महीने पहले जेनिफर यानी कि जेन अपने कजिन ब्रूस के साथ एक रोड ट्रिप पर गई थी, जो कि एक रियल हल्क है। अगर आपने मार्वल की पिछली सीरीज देखी है तो हल्क यानी कि ब्रूस की पूरी कहानी आपको पता ही होगी। अब ब्रूस बताता है कि उसने एक ऐसी डिवाइस बना ली है जिससे वह इंसानी रूप में यानी कि ब्रूस बैनर के रूप में रह सकता है और जरूरत पड़ने पर खुद को हल्क के रूप में कन्वर्ट कर सकता है। यहाँ जेन सबसे पहले ब्रूस से कैप्टन अमेरिका यानी कि स्टीव रोजर के बारे में सवाल पूछती है, पर तभी एक UFO जैसी दिखने वाली अजीब चीज उनके सामने आ जाती है और जेन का ध्यान भटक जाता है। वो कार कंट्रोल नहीं कर पाती और दोनों नीचे गिर जाते हैं। यहाँ जेन को चोट लगती है और उसके हाथ से खून बहने लगता है। अब वह दरवाजा खोलकर ब्रूस को बाहर निकालती है। ब्रूस उसे खुद से दूर रहने के लिए कहता है क्योंकि उसे भी चोट आई होती है, और तभी ब्रूस के खून की कुछ बूंदे जेन की चोट में गिर जाती है और जेन का शरीर बदलने लगता है, और तभी ब्रूस हल्क बन लगता है। वो जेन को यहाँ से जाने के लिए कहता है और जेन जंगल की तरफ भागती है और एक जगह गिरकर बेहोश हो जाती है। रात हो चुकी है और उसे होश आता है और वो वहाँ बार की एक वॉशरूम में जाती है। तभी वहाँ कुछ लड़कियाँ आती है और जेन उनके फोन से ब्रूस को फोन करती है और बाहर आकर उसका वेट करने लगती है। तभी कुछ लड़के आते हैं जो जेन को परेशान करने लगते हैं और वो अचानक बहुत बड़े हरे शरीर में कन्वर्ट हो जाती है और यहाँ से एंट्री होती है हमारी शी हल्क की। अब सुबह होती है और जेन अपने बेड से उठती है। वो अपने घर पर ना होकर कहीं और होती है। वहाँ आयरन मैन का फेस मास्क रखा होता है और उसे गाने की आवाज आ रही होती है, और जब वो नीचे जाती है तो वहाँ ब्रूस होता है हल्क के रूप में। ये जगह मेक्सिको है और यहाँ ब्रूस की लैब होती है। वो बताता है कि टोनी स्टार्क ने उसके लिए लैब बनाई थी। अब ब्रूस जेनिफर को बताता है कि उसका ब्लड जेन के ब्लड से मिलने के कारण गामा रेडिएशन का इफेक्ट उसकी बॉडी में भी हो गया है, जैसा कि ब्रूस की बॉडी में है। जेन बहुत ज्यादा डर जाती है। वो ब्रूस से कहती है कि क्या वो अब मरने वाली है। तब ब्रूस उसे समझाता है। वो जेन को बताता है कि उसके ब्लड से ब्रूस का हाथ पूरी तरह ठीक हो गया है। ब्रूस जेन को दिखाता है कि उसके ब्लड सैंपल से कितनी ज्यादा गामा रेडिएशन प्रोड्यूस हो रहा है। वो सैंपल को बिल्कुल सेफ रखना चाहता है ताकि ये किसी गलत हाथों में न पहुंचे। जेन ब्रूस को खुद को पहले ऐसा नॉर्मल बनाने को बोलती है, पर ब्रूस कहता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। अब दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं और ब्रूस जेन से कहता है कि उसे लोगों से दूर रहना होगा। इस पर जेन कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, वह अपना काम कैसे करेगी, क्योंकि वो एक लॉयर है और उसका काम ही लोगों से मिलना है। ब्रूस उससे कहता है कि उसे अपने ऊपर कंट्रोल पाना होगा कि वह कब हल्क बनती है और कब जेन रहती है, और ये सब सिखाने में ब्रूस उसकी मदद करता है। ब्रूस जेन की टेस्टिंग करता है कि वह कितना गुस्सा बर्दाश्त कर सकती है। वो जेन को एक चैम्बर में बंद करके गुस्सा दिलाता है और तभी वह हल्क बन जाती है और वहाँ टोल-फोल करने लगती है, और कुछ ही देर बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। ब्रूस ये देखकर चौंक जाता है कि जेन हल्क बनने के बाद भी पूरे होश में रहती है, मतलब उसके अंदर 2 पर्सनैलिटी नहीं होती ब्रूस की तरह। जेन हल्क बनकर होश में तो होती है, पर खुद को जेन नहीं बना पाती। वह ब्रूस से पूछती है कि वह पुराने रूप में कैसे आएगी, और वह ब्रूस से उसकी हिस्ट्री पूछती है कि वह हल्क से वापस ब्रूस कैसे बनता था। अब ब्रूस उसे योगा के द्वारा दिमाग को कंट्रोल करना सिखाता है, पर जेन उसमें इंटरेस्टेड नहीं होती। अब ब्रूस उसे ट्रेनिंग देना शुरू करता है। वे चट्टान फेंकते हैं, जंप करते हैं, बॉडी को बैलेंस करते हैं। शाम होती है और ब्रूस उसे अपने बाल ले जाता है। वे दोनों वहाँ बहुत सारी शराब पीते हैं। सुबह वे फिर मेडिटेशन करते हैं, पर जेन का उसमें मन नहीं लगता। ब्रूस उसके गुस्से पर कंट्रोल करवाना चाहता है ताकि वो हल्क बनकर खुद का और दूसरों का नुकसान ना करे। तभी जेन हल्क बन जाती है और अगले ही पल हल्क से वापस जेन बन जाती है, मतलब अपनी बॉडी को अपने हिसाब से कन्वर्ट कर सकती है। वो वहाँ से वापस जाने लगती है, पर ब्रूस उसे रोकता है और कहता है कि वह एक सुपर हीरो बन चुकी है, इसलिए उसे दुनिया को बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। पर जेन कहती है कि वो अपनी जिंदगी से खुश है और सुपर हीरो नहीं बनना चाहती। वो जाने लगती है, पर ब्रूस जीप के सामने खड़ा हो जाता है और उसे रोकता है। पर जेन जीप स्टार्ट करती है और ब्रूस को टक्कर मार के नीचे गिरा देती है। वो वापस सी हल्क बन जाती है और दोनों में फाइट होने लगती है, और इस फाइटिंग में ब्रूस का बार टूट जाता है, और फिर दोनों मिलकर उसे बनाते भी हैं। अब दोनों नॉर्मल बिहेव करते हैं। फिर जेन वापस चली जाती है और ब्रूस उसे अब नहीं रोकता। उसे लगता है कि जेन का यहाँ मन नहीं कर रहा है, इसलिए उसे जाने देता है। स्टोरी
करंट टाइम पे आती है और जेन कहती है कि वो तब से अभी तक हल्क नहीं बनी है और ना ही कभी बनेगी। तभी सीन बदलता है और कोर्ट में एक सुनवाई चल रही होती है जिसकी जेन शुरू में प्रैक्टिस कर रही थी। अब जेन अपनी दलील पेश करने के लिए उठती है, तभी वहाँ एक मॉन्स्टर लेडी दीवार तोड़ कर आ जाती है और वहाँ भगदड़ मच जाती है। तभी जेन की सहयोगी उससे कहती है कि उसे हल्क बनना चाहिए और यह सही समय है और जेन बन जाती है शी हल्क। फिर दोनों में फाइट होती है और वो एक ही मुक्के से उस लेडी को बेहोश कर देती है और वापस जेन बन जाती है और कहती है कि वो अपनी दलील देने के लिए तैयार है। और इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, शी हल्क का फर्स्ट एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आगे के एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।